मराठा समन्वयक विनोद पाटिल ने आज नागपुर में राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद विनोद पाटिल ने पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा कि छत्रपति संभाजी नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। महायुति ने कल संदीपन भूमरे के नाम की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों चाहते थे कि मुझे नामांकित किया जाए। मुझे अभी भी उम्मीद है कि निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के लिए मैंने आज देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। यह आश्वासन पाने का दौरा नहीं था बल्कि संसदीय क्षेत्र की स्थिति को एक बार फिर जांचने का दौरा था, ऐसा भी विनोद पाटिल द्वारा पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा गया। छत्रपति संभाजीनगर लोकसभेसाठी मी इच्छुक होतो। परवाच महायुतीकडनं सन्माननीय मंत्री महोदय बोंबरे साहेबांच्या नावाची घोषणा झाली। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, या दोघांची इच्छा होती की मला उमेदवारी त्या ठिकाणी देण्यात यावी। परंतु मी अगोदरच सांगितलं, महायुतीतले दोन सन्माननीय आमदार व एक राज्यसभा सदस्य यांनी माझ्या नावाला विरोध केला। मला अजूनही आशा आहे की याच्यामध्ये निर्णय पुनर्विचारित होऊ शकतो। सध्याची मतदारसंघाची परिस्थिती बघता माझ्याकडे विजयाचं गणित आहे, तीच चर्चा करण्यासाठी मी माननीय फडणवीस साहेबांची आज या ठिकाणी भेट घेतली। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।